देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यार चार टिफिन में तो चार चार समोसे है रहे, चार तेरो है और चार मेरो है। वो तो ठीक है मेरी जान, लेकिन इन समोसे से घुइया पेट भरेगा क्या? एक आईडी है क्या? ये अंकल जी है ना, ये जो लौंडे हैं, इनके टिफिन से अपना टिफिन एक्सचेंज कर लेते हैं यार। एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे ही मान जाएंगे। बोल तो ऐसे रिया है, सारे ट्राई करने में का हर्जर हुआ यार। अगर ऐसी बात है तो कोशिश कर ले, देख 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 कर ले। अंकल जी राम राम। आ रही है राम राम। अंकल जी अकेले अकेले लंच कर रहे हो? साथ मिलकर लंच करते हैं। हाँ चाचा, मैं तो कह रही हूँ कि आज जो हम टिफिन लेकर आए वो आप खाएं और जो आप टिफिन लेकर आए वो हम खाएं। कैसी गई? उसे क्या होगा? अरे काया को मतलब साथ लंच करने से मजदूरन में प्रेम बढ़तो है, प्यार बढ़तो है, है? एकता बढ़ती है। एकता तो पहले से ही बहुत बड़ी है। अबे भैया, हम जितेंद्र वाली एकता की बात ना कर रहे हैं, मजदूरों वाली एकता की बात कर रहे हैं मेरी जान। अच्छा वो वाली एकता? एकता तो होनी चाहिए मजदूरों में। क्यों चीचे? चलो तो फिर शुरू करते हैं। लाओ लाओ तुम अपना टिफिन लाओ। जी हमारा टिफिन तुम जल्दी चीचे शुरू करो। हाँ यार तिलिया। हाँ ये तो आसानी से मान गए यार, तुम जल्दी अपना टिफिन हैंडओवर कर दो यार। यार ये देखते हैं कि आज क्या है। कल तो साले जी दोनों तंदूरी चिकन तोड़ रहे थे। तंदूरी चिकन? हाँ क्या बात कर रहे हो सच्ची यार, इनको देख के लगता तो ना खुद ही तंदूरी चिकन लग रहे हैं। हाँ। मेरी गट फीलिंग कह रही है आज कि जहाँ मैं लाल कोरमो होगो मटन कोरमो। ऐसा कह के तूने मेरी भूख बढ़ा दी यार मेरी। यार मैं तो सुना रामपुर को यार कोरमो बड़ा फेमस है यार, तुझे भी पता है। मैं तो देख मतलब बहुत गर्म है, स्वादिष्ट भी है। चटनी है यार टीका। ये सब देख के मुझे अपनी दादी की कहावत याद आ गई यार। कौन सी कहावत बे? यही कि आधी को छोड़ के जो पूरी धावे फिर वो आधी भी ना पावे और पूरी भी ना पावे। ले तू पाले पूरा। संभालो संभालो। आराम से आराम से। हाय दिया। संभाल के भैया। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, आराम से। देख हाँ यहाँ तक तो आ गए। अबे हो लौंडो, थोड़ा मदद करो। क्यों मदद करे? काय को करे? वाय तुम्हें तनखा दे रहे हो क्या? जो मदद करें, हम सरकारी आदमी हैं। अबे थोड़ा हाथ लगा दोगे तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या? का टीका का टिल्लू भैया, थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना। वो भाभी जी आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन हम मजबूर हैं, हड़ताल चल रही है ना। अगर हम सेठ जी को उठाने जाएंगे तो हमारा ठेकेदार हमें यहाँ से उठा देगा। सालो लौंडो, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है, ये बेचारा तकलीफ में है। अरे भैया तुम्हें बड़ी इंसानियत है रही है। हमारा काम छूट जाओगे तो क्या हमें घर पे बैठ के खिलाओगे क्या? तुम्हारी लुगाई हमको रोटियां बना के खिलाएगी क्या? अरे कोई जरूरत नहीं इनके सामने गिड़गिड़ाने की। अरे भैया लेकिन आप अपने घर के अंदर घुसिएगा कैसे? वही तो। अरे ये फल्ली लगी है ना, फल्ली लगी है ना। सेठ जी बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा वजन सहने का ठेका ले रखा है फल्ली ने। अरे तुम्हारी घर की तरफ जाने वाली फल्ली में क्रेक आ गया है। का? और जरा सा भी वजन पड़ेगा ना तो फल्ली टल्ली हो जाएगी। आ नहीं ये कह रहे हो फल्ली टूट जाएगी। एक मिनट मैं देख के आता हूँ। देखिए आ, 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 आ,
आइडिया ये ठीक कह रहे हैं, ये फली टूट सकती है। आइडिया अब यहाँ कोनो स्ट्रांग आदमी है का जो हमरे लड्डू के भैया को घर तक पहुंचा दे। अरे अरे आज नीचे आ जाओ, नीचे नीचे, बस गुस्सा खराब है आपका। भाभी जी ये मास्टर स्ट्रांग है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है गले? हम कहां से स्ट्रांग दिख रहे हैं? अरे हमसे ज्यादा स्ट्रांग तो आप दिखते हैं, 6 फीट का बॉडी लेके घूम रहे हैं और बात करते हैं। अबे ओ मास्टर, बॉडी से कुछ नहीं होता है, ताकत से होता है, और तू एक ऐसी गांठ है जिसमें ताकत भरी पड़ी है। ये बात एक बार मास्टर नी ने मेरी बीवी को बताई थी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी आपके संस्कारन के चक्कर में ना हमरे लड्डू के भैया का बैंड बज रहा है। और कहा लड्डू के भैया, हम आपको बोले थे कि अस्पताल में ही रहिए, वहीं रहिए, आप मानते ही ना ये हमरी। तुम चुप रहो। सुनिए मास्टर जी, अरे आप फल्ली की जगह जाके लेट जाइए ना, हमें विश्वास है कि आप बहुत मजबूत आदमी है। हाथ जोड़ते मास्टर जी, जाइए जाइए। भैया चित लेटे या पट, मेरा कहने का मतलब है कि पेट के बल लेटे या पीठ के? अरे पट लेटिएगा, चित लेटेंगे तो वो थोड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर पट लेटेंगे तो थोड़ा पठारी रास्ता मिलेगा, समझे? चलिए आइए। अमाश जी, अरे स्टिन पीस। हाँ ऑल द बेस्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, लेटिए। अच्छा लिए दिया। हाँ चलिए चलिए, हम आते हैं आपके पीछे। शाबाश शाबाश। अच्छा लिए, वो तो पार हो गए, आप भी चलिए। अरे पगली, इस क्षेत्र को थोड़ा समतल किया जा सकता है क्या? भैया ये रेत की ढेरी नहीं है। ओ, अच्छा ठीक है, थोड़ा संभाल के पगली। अच्छा ये जाइए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कारों ने दम तोड़ दिया। हम आते हैं, रुकिए। भाभी जी संभाल के, संभाल के। मास्टर जी सॉरी, हाँ हमको माफ कर दीजिए। भाभी जी कोई भी बात नहीं। हाँ। है कोई है? हमारी हड़ताल है। माहौल काफी गंभीर और चौंकाने वाला है। सबकी नजर बल्लेबाज के अगले कदम पर। बल्लेबाज गेंदबाज को देख रहा है, गेंदबाज बल्लेबाज को देख रहा है, और अब बल्लेबाज स्टांस लेकर गेंद पर अपनी पैनी नजरें टिकाए हुए। अब देखना यह है मनिंदर की बल्लेबाज गेंद को किस दिशा में यात्रा के लिए भेजेंगे। अनु बेबी सो गई क्या? अनु सो गई क्या? ए अनु सो गई क्या? एक कमबख्त सो गई क्या?
कम वक्त पर रिएक्ट नहीं किया उसने, इसका मतलब सो गई। अभी जी चाहे जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन मैं ये फूल आपके बालों में लगा के रहूंगा। मैं जान पे खेल जाऊंगा लेकिन ये फूल आपके बालों में लगा के रहूंगा। अभिजी आई एम कमिंग। इस पगली ने तो हाथ ऐसे पकड़ रखा है जैसे अनेक जन्मों तक ना छोड़ेगी। लेकिन हमें तो जाना है, भाभी जी के गेसुओं में फूल लगाना है। भैया, ये आपका हाथ इतना पिलपिला काहे लग रहा है हमको? वो पगली, वो हड्डियों में सूजन आ गई है ना, तो उस वजह से वो जो है ना वो फूलन अब मतलब फूल गया है। भैया, लेकिन हड्डियों में ज्यादा सूजन आ गया तो बहुत तकलीफ होगा आपको। नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, डॉक्टर दवा दिए है ना। हाँ, लेकिन दवाई का कुछ वाइफ इफेक्ट हो गया तो? वाइफ इफेक्ट तो हो रहा है, शायद तुम साइड इफेक्ट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। ओ, अगर दवाई दवाई को अगर इसको भी इसी समय बाल की खाल निकाल दी है। हाय दिया, आ लड्डू के भैया, हमको आपका खराटा बहुत ही सुरीला लगता है। गुड नाइट। आज भाभी जी को पुष्प लगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओ,
और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जी, मेरा भी यही हाल है। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। इस हाल से हाल मिला और ताल से ताल मिला। सक्सेना के बच्चे, हमारी बैंड बजी हुई है और तू ताल से ताल मिला रहा है कमबख्त। अरे भैया, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है भैया कि आप लोगों की बैंड बजी पड़ी है, पर सच बता रहा हूँ भैया, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरी दोनों टांगे और एक हाथ बुरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन भैया मुझे इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। दुनिया में एक से बढ़ गए क्रैक देखे, लेकिन सक्सेना जैसा क्रैक नहीं देखा। यू आर अ क्रैक पॉट। वाओ, क्रैक पॉट, आई लाइक इट। तिवारी जी, जी चलिए बाहर निकलते, बाहर निकलते। अरे नहीं 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 भाई, आ, 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 हमारे बस की नहीं है भाई। अरे भैया, ये आपके बस की ही नहीं, हम में से किसी के भी बस की नहीं है। ऐसा है ना कि आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी ना, कि जब टांग की हड्डी टूटी हुई हो तो रेत का टीला भी माउंट एवरेस्ट नजर आता है। और इस वक्त ये जो 30 फीट की ऊंचाई है ना, ये हम लोगों को माउंट एवरेस्ट से कम नजर नहीं आ रही है भैया। तो क्या हम इसी गड्ढे में पड़े रहेंगे? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा, अर्गोमैन। अच्छा सुनिए सुनिए भैया, एक बात बताइए, जब आप दोनों की एक एक बार टूट चुकी थी तो दोबारा तोड़वाने के लिए क्यों कूद पड़े हैं? बबूती जी, आप इस बात का जवाब दीजिए सक्सेना की। एक्चुअली मैं ना बोर हो रहा था, बहुत बोर हो रहा था, मैं जैसे ही बाहर निकला टहलने के लिए, पैर स्लिप हुआ और गड्ढे में दोबारा से गिर गया। आप बताइए, आप कैसे गिरे? हमारे साथ भी कुछ ऐसा सा ही हुआ। अंगूरी ने सवाल जवाब करके हमारा दिमाग खराब कर दिया और हम झल्ला के घर से बाहर निकल लिए। सक्सेना जी, है? हमें ना इस गड्ढे से बाहर निकालने का इंतजाम कीजिए आप कुछ। भैया, मुझे नहीं लगता कि आज रात आप लोग निकल पाएंगे। I hate both of you guys. मैं तो पागल हो जाऊंगा यहाँ पे यार। मैं मुझे मुझे निकालो यार, मुझे कुछ निकालो यार। अरे तो क्या हम यहाँ पड़े पड़े आप ही की बकवास सुनते रहेंगे? नहीं भैया, आप लोग सिर्फ मेरी बकवास नहीं सुनेंगे, आप लोग रेडियो भी सुनेंगे, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के लिए अपने साथ रेडियो लाया हूँ। रेडियो भैया मेरे पिछवाड़े की तरफ है, आप राइट हैंड साइड में अपना हाथ ले जाइए। भैया ये रेडियो नहीं है, ये एंटीना है। ओके ओके, इधर नीचे। हाँ, ये देखिए ये क्या है? ये रेडियो। हाँ, ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए, इसको बजाते हैं। हमारा बैंड तो बजा ही हुआ है, इसको ही बजाई है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। मशहूर ढोंगी बाबा पटवर्धन पटाऊ पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने जब अपने डंडे बरसाए तब उसने अपने काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वो लोगों को बेवकूफ बनाता था, 5 फूल देता था। 5 फूल, ब्लडी फूल, आई लाइक इट। पगला, रुक जाओ पगला।
जा टिलुआ, ठंड बहुत है रही है यार। हैं? लग तो रही है यार। अबे अबे ओ विजय उठाइए जरा पन्नी, उठा जल्दी से, बारिश शुरू हो गई, चला जल्दी से। साले तो कह रहे थे ठंड बढ़ रही है, यहाँ तो बरसात शुरू हो गई। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे मौसम विभाग से मेरा कांटेक्ट चल रहा हुआ है। लग तो यही रही है। आइए अब सुनते हैं ताजा खबर। कानपुर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के घोटाले का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कानपुर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड में अनाधिकारिक तौर पर फर्जी मजदूरों की भर्ती हुई थी, जिसके कारण कानपुर के कई क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से खुदाई की गई, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात आई। इस घोटाले के अंतर्गत जोरावर ठेकेदार नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। ये तो वही ठेकेदार है जानवर सिंह? जोरावर सिंह। जोरावर ठेकेदार के नीचे जितने मजदूर काम कर रहे थे उनकी नौकरी निरस्त कर दी गई है। अब वे मजदूर ना घर के हैं ना घाट के। ठेका यार, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अब तक जितनी खुदाई की थी उसकी एक फूटी कौड़ी भी ना मिलने वाली। पिल्लू आज मेरे घर चलो।